बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय भाग 5 व कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में डीप वाटर भाग 2, हिंदी विषय में कुंवर नारायण। बच्चों, अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, समुच्चय, जिसके हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए। आशा करता हूँ चारों भागों के वीडियोस आपने ढंग से देख लिए होंगे, और हमने प्रश्नमाला 1.1 जो तुम्हारी बुक की है वहां तक के पूरे सॉल्यूशन कर लिए, पूरे आपने नोट्स बना लिए होंगे। और अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्नमाला 1.2 की तरफ, जिससे पहले कुछ बेसिक्स हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। तो जो हमारा टाइटल है वो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, समुच्चय क्या होते हैं पढ़ लिया, उनका रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमने पढ़ लिया, उनका रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि पे गए, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर पे गए, ये सारी बातें हमने पढ़ लिया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों समुच्चय के प्रकार। पेन कॉपी ले लो, स्टार्ट हो जाओ, जहां पर नोट डाउन करने की आवश्यकता हो वीडियो को पॉज करो। बच्चों सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, रिक्त समुच्चय, वॉइड सेट। इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं हिंदी में। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फाई, ये जो है ना बच्चों रेड वाले में बॉक्स में पैक है, यहां तो इसको बोलते हैं फाई, PHI। ठीक है, या ऐसे लिख दो, ये लो साहब हिंदी में ऐसे लिख दो फाई। ठीक है, या इसको अपन मंजिला कोष्टक लगा के भी शो करते हैं, लेकिन जनरली अपन क्या शो करेंगे बच्चों, फाइव से इसको शो करेंगे। मैं जब भी फाइव बोलूंगा तुम क्या समझ जाओगे, मैं नल सेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि रिक्त समुच्चय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक समुच्चय एक्स है, सच दैट, जहां एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्या से। ठीक है, एक्स का मान 2 से बड़ा व 3 से छोटा होना चाहिए, बताओ पूर्णांक संख्या। मैंने बेसिक तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था कि अब हमारे को बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके तहत अगर 2 से बड़ा और 3 से छोटा है तो इसका मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि बीच में तो पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे। और इसने पहले ही बोल दिया कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, जेड, यानी कि इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या से करेगा, यानी कि एक भी अवयव इसमें नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट, यानी कि हम क्या लगा देंगे, मात्र फाई, खत्म। समझ में आ रही है ना बच्चों बातें। देखो एक और एग्जांपल, समुच्चय एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक से छोटी। बच्चों प्राकृत संख्या की दुनिया एक से शुरू होती है, तो एक से छोटी तो कोई भी प्राकृत संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, ये भी एक नल सेट होगा, एक नल सेट का एग्जाम्पल होगा फाई। कारण समझ में आ रहा है ना सभी के, समझ में आया नल सेट क्या होता है। ऐसा समुच्चय, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको पॉज करना, इन दोनों को नोट डाउन करना ना, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। बचपन से दैनिक जीवन में अपन देखते हैं जो सीमित चीजें होती है उनको बोलते हैं फाइनाइट, जो असीमित होती है यानी कि जिन पर कोई बंधन लागू नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि परिमिति और अपरिमिति समुच्चय अपन बोलेंगे। बच्चों देखो, जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित होती है उसको परिमिति समुच्चय कहते हैं, और जिनमें परिमिति नहीं हो यानी कि सीमित नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमिति समुच्चय बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। बच्चों एक बात और इसमें नोट करना तुम, परिमिति समुच्चय एक ही विभिन्न अवयवों की संख्या एक ही कोटि कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में कार्डिनलिटी भी बोलते हैं बच्चों ना, लेकिन तुम्हें इंग्लिश का मतलब नहीं है, तुम क्या जाना को नंबर ऑफ, जब भी एन और ऐसे ब्रैकेट ए कैपिटल लेटर में हो तो इसका मतलब उसमें अवयवियों की संख्या को प्रदर्शित करना होता है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स है। जैसे देखो एक सेट हमारे पास एक समुच्चय है जिस 1, 2, 3, अब इसमें अवयवियों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 3, तो हम क्या बोल देंगे इसकी ये कोटि होगी बच्चों 3, खत्म। एक और एग्जांपल लो, इसमें अवयव एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव बच्चों कौन से हैं, 2, 3, 3, लेकिन मैंने बोला था जब एक से अधिक एक अवयव की यदि अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार वो उस समुच्चय में आ रहा है, तो उसको लिखते समय एक ही बार लिखते हैं, उसकी पुनरावृत्ति को हम दर्शाते नहीं है। तो इसमें कितना एलिमेंट है बच्चों, केवल 2 और 3 ही तो है, हम बोलेंगे इसमें 2 अवयव होंगे। छोटी छोटी बातें है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसको बिल्कुल नोट कर लेना बच्चों, ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके तुम्हें दे दिया, प्रत्येक समुच्चय ए के लिए उसकी कोटि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जहां पर ये किसको बिलोंग करेगा, डब्लू, और डब्लू हमने बेसिक क्लास में पढ़ लिया बच्चों, हॉल नंबर को करेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें, इनको नोट्स बनाते समय तुम सुंदर सुंदर राइटिंग में स्टार लगा के या जो भी तुम्हारा तरीका है, इंपॉर्टेंट बातों को एक बॉक्स में पैक कर लेना बच्चों ना। अच्छा यदि बच्चों किसी सेट में किसी समुच्चय में अवयव केवल एक ही हो, उसको बोलते हैं सिंगलेटॉन, है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में एकल समुच्चय। कई बार छोटी मोटी डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मात्र एक हो, यानी कि उसमें केवल एक ही अवयव हो, उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलेटॉन सेट। ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, देखो समुच्चय ए एक्स, जहां एक्स एक पूर्णांक संख्या है, जेड का मतलब बच्चों क्या होगा, इंटीजर। अच्छा मोड एक्स, इसको बोलते हैं बच्चों मोड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, है ना। अब इसको देखकर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसी मशीन है, मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जाएगा पॉजिटिव होकर बाहर आएगा, बस ये तुम्हें दिमाग में रखना है, और कोई टेक्निकल डेफिनेशन पर नहीं जाना। एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या डालो हमेशा धनात्मक होकर बाहर निकलती है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि -2 पे मोड लगा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू 2 होगी। -5 पे मोड लगा दीजिए, इसका मतलब इसका मान कुछ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसको अपन टेक्निकली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, जब इसको अपन रिलेशन फंक्शन जो आगे के चैप्टर्स आएंगे ना उनमें वो डिटेल से इसका ग्राफ वगैरह सब अपन बनाएंगे, है ना। अभी के लिए इतनी सी जानकारी कि इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू एक्स होगी जब एक्स पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई बात सही है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया -5, तो उसको -5 को तुम इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वापस क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो इतना सा ध्यान रखो, और इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब आगे काम आएगा हमारे, अभी इतना सा काम आ रहा है, ये एक ऐसी मशीन है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे बाहर क्या होकर निकलेगा, पॉजिटिव एक धनात्मक राशि के रूप में वो निकलेगा। तो ध्यान से देखिए मोड एक्स, इसका मतलब तुम जानते हो बच्चों, ये मोड एक्स की जो वैल्यू है, जो मान है, वो 2 आ सकता है और 2 से छोटा आ सकता है, लेस देन और इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, या तो 2 के बराबर है, 2 से छोटा है। अब बात को समझो, अपन पहले इससे बातें करते हैं, उसके बाद अपन इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, ताकि मैं तुम्हें समझा दूं कि एक परिमिति समुच्चय है, एक फाइनाइट है, इसके मेंबर्स इनफाइनाइट नहीं है, बहुत सारे नहीं है, एक लिमिटेड है ना। कैसे, अगर इसके अंदर अपन -3 डालते हैं तो 3 के बाहर निकलेगा, लेकिन वो कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उस हमारी कंडीशन से उसमें विरोधाभास आ जाएगा। कैसे, कि सर क्वेश्चन ने तो बोला है कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, तो 3 ले लेंगे तो बड़ा हो गया ना, तो -4 ले लो, तो -4 लेंगे तो +4 होके बाहर निकलेगा, अगर +4 ले लेंगे तो वो भी 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 या 2 से छोटा ही में रखना है ना। तो मैं -2 ले लूँ तो 2 के बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही है। -1 ले लूँ, 1 होके बाहर निकलेगा। पॉइंटों में अपन ले नहीं सकते क्योंकि पहले बोल दिया उसने इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या क्या आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, इसका मतलब बिल्कुल लिमिटेड हो गया ना। इस पूरी लाइन का मतलब 0, 1, 2, इसके अलावा कोई भी अवयव इसमें और नहीं आ सकता। अब बताओ इसमें कितने अवयव हो गए, 3 लिमिटेड हो गए, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक परिमिति समुच्चय है। ये बेसिक है, अभी अपन एक्सरसाइज पाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन पाएंगे, तब इन सब बातों का यूज वहां पर हो रहा होगा, फिर मेरे साथ साथ तुम चलोगे, है समझ। एक और क्वेश्चन देखो, एक समुच्चय 20 ने ले लिया x, जहां x बिलोंग्स टू इंटीजर, वही पूर्णांक संख्या, मोड x का मान 2 और 2 से बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा है। अब इसने आगे क्या बोल दिया, परिमिति समुच्चय है, तो अपन चेक कर ले है या नहीं है, इसको तो हमने बोल दिया, बिल्कुल सही बोला साहब इसने। अब बच्चों देखो, इसमें अगर मैं -3 लिखता हूं तो +3,
वहां तो लेस देन था, दो से आगे हम बढ़ नहीं सकते थे, क्वेश्चन ने बाधित कर दिया था हमें, यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। तो बोल रहे जाओ, तुम्हारा मन हो उतना ही जाओ, माइनस का 5 लो, प्लस का 5, माइनस का 100 लो, प्लस का 100, माइनस का 1 करोड़ लो, तो प्लस का 1 करोड़ आ जाएगा, यानी कि हम क्या बोल देंगे, अपरिमिति समुच्चय है। बात समझ आ रही है, क्लियर है? यानी कि इसमें जनता क्या क्या आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, अप टू कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। तो आई होप देखो दोनों बातें समझ में आ गई आपके। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, वॉइड सेट के बारे में पढ़ लिया, इसको फाइव से शो करते हैं जब एक भी अवयव नहीं होगा। एन ए के बारे में पढ़ लिया, एन ए से मतलब क्या होता है बच्चों, कार्डिनलिटी, यानी कि उसकी कोटि, उसमें कितने अवयव है। फिर हमने क्या पढ़ लिया, एकल समुच्चय जब एक अवयव होगा, ठीक है। और ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो कि आपके समुच्चय में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो पढ़े मेरे साथ साथ। देखिए, संख्याओं के मानक समुच्चय एन डब्ल्यू जेड के, अरे सर ये तो आपने पहले पढ़ा दिया, बेसिक क्लास में पढ़ाया ना मैंने पहले वीडियो में, क्योंकि मुझे पता था इन बातों की आवश्यकता होगी, मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से शो करेंगे, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से शो करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को जेड से शो करेंगे, और वो सब अनंत तक चल रही थी। तो देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सभी कौन से होते हैं, अपरिमित समुच्चय है। तो पढ़ने के बाद जब लिखा हुआ देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वे समझ आ रहा है ना। ठीक है, किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो, तदोपरांत 3 बिंदु लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक देखो क्या हो रहा था, जब किसी अपन इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कितना भी डॉट लगा देते थे। ठीक है, अब आपको ध्यान ध्यान ऐसे तो कितना भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करते समय हमें कितने डॉट लगाने हैं, मात्र 3 डॉट लगाने हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे देखो, अच्छा जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चों, तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ना, देखो इस बात को मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ। मैंने लिखा 2, 4, अब बताओ ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। भाई बच्चों बात को समझो, यदि आपने 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स लिए, तो उन्हीं बच्चों ने लिए जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उनके यानी कि उनके 10th क्लास में मैथ्स में नंबर अच्छे आ रहे होंगे। तो मैं इतना सा मान के तुम्हें पढ़ाऊंगा कि 10th की मैथमेटिक्स में तुम्हारा लेवल अच्छा था, ठीक था, मतलब तुम इंटरेस्टेड थे उसको करने में ना, तो एपी और जीपी की बेसिक नॉलेज तुम्हारे अंदर होगी। ठीक है, अब उसके अनुसार अपने अपने पास क्या आएगा कि 2 और 4, मैं पूछूं समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है। अब सर 2 + 2 = 4, अब आगे 6 भी आ सकता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, आगे 8 भी आ सकता है, यानी एपी भी हो सकती है और जीपी भी हो सकती है। तो याद करो, तुम्हें तुम्हारे सर ने भी पढ़ाया होगा, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी सीरीज, किसी भी श्रेणी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पदों का होना आवश्यक है, यानी कि 3 पद यदि हमारे पास हो तो हमें बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी होगी या गुणोत्तर श्रेणी होगी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? तो वैसे बच्चों, किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए कम से कम इतने अवयव तो होने होने चाहिए कि उसका पैटर्न पता लग जाए, क्या क्या रहा है। जैसे देखो, 1, 2, 3 पता लग रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, 1, 3, 5, 7 पता लग रहा है, 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है, -3, -2, -1 बिल्कुल पता लग रहा है कि सब आगे कहां तक चलेगा, और एक एक का डिफरेंस घटता जाएगा, एक एक का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, बात समझ आ रही है क्या? इन सब के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो आपको बच्चों ब्लू नीचे ब्लू बैकग्राउंड में और ब्लैक में दिखेगा ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई। आ जाओ, इनफाइनाइट सेट्स, अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है सभी का, है ना? कैसे? देखो, जैसे रियल नंबर की बात करता है, वास्तविक संख्याओं को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? देखो, अगर मैं कोई इस सेट को अपन लिख दें, ध्यान से देखना बच्चों ना, ये एक मैंने रोस्टर रूप लिख दिया, मैंने ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कि तुम क्या बोलेंगे, हाँ करता है, को फिक्स थोड़ी है। अच्छा, ये भी करता है रियल नंबर को, ये भी करता है रियल नंबर को, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सारे उसके अंदर आ गए ना, तो कोई फिक्स पैटर्न तो होगा ही नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। बात समझ में आई बच्चों सभी के? बढ़े थोड़ा आगे, इसको पॉज करना, नोट डाउन करना। उदाहरण नंबर 6 हम करते हैं, पढ़ लो आराम से।
बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमिति है और कौन अपरिमिति है। तो अब तो पता लग गया ना तुम्हारे को परिमिति और अपरिमिति। तो अब ये बेसिक पढ़ाने का फायदा मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो मजा आएगा मेरे साथ साथ। अब ना एक समुच्चय x, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, और x-1 x-2 = 0। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों, x का मान क्या जाएगा, 1 और 2। तो फाइनाइट है बिल्कुल, इसके अंदर दो अवयव है, तो हम क्या बोल देंगे, परिमिति समुच्चय साहब। क्या बोल देंगे, पहला बच्चों कौन सा परिमित, लिख देना अपनी भाषा में, किसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि इसके अंदर दो अवयव हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में। मेरी बात सुनो, अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन टारगेट तो एक ही होगा ना, उसकी भावनाएं तो वही होगी ना। बात समझ में आ रही क्या, क्लियर है मेरी बात को? चलो जैसे देखो, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को मैं ऐसे लिखूं कि साहब ग्रेटर देन 0 होती है, वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। बात तो एक ही है ना, भावनाएं समझो ना। ग्रेटर देन 0 से मतलब फ्रैक्शन नहीं आएंगे नेचुरल नंबर में ना। चलो ये तो मैंने पढ़ी लिए पहले। अच्छा दूसरा, x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, x² = 4। और x² = 4 को यदि हम हल करते हैं तो बच्चों क्या आता है, x = +-2, यानी कि एक समुच्चय बन जाएगा, -2 और 2 लिमिटेड एलिमेंट हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब -2 तो आएगा ही नहीं, तो ये समुच्चय बच्चों क्या बनेगा, क्या लिखेंगे इसको, केवल इसके अंदर एक अवयव होगा 2, इसका मतलब ये एकल समुच्चय हो गया। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं, हमने पढ़ा था ना, जब किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव हो तो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। और देखिए बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो एक्स का मान 2x-1 = 0, तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ गई, 1/2। अब 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, प्राकृत संख्या थोड़ी है, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो सर इसको बोलेंगे फाई, यानी कि नल सेट है, और नल सेट हमेशा क्या होता है, परिमिति होता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट परिमित। ठीक है, इसको भी बच्चों क्या बोलेंगे, परिमित। तीन परिमित हो गए हमारे पास, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक अभाज्य संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्याएं अनंत होती है, पढ़ाया था बेसिक क्लास में पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 5 को देख रहे हैं तो मजा नहीं आने वाला, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 सारे देखना बच्चों ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभाज्य संख्या अनंत होती है, अतः ये अपरिमित समुच्चय। बात समझ में आ गई, बढ़े थोड़ा सा आगे। अब बच्चों अपन बढ़ते हैं समान समुच्चय पर, इक्वल सेट। देखो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं सब कुछ। हमने पहले वॉइड सेट पढ़ लिया, इसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी तुम्हारे को, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमिति और अपरिमिति पढ़ लिया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, अपन चलते हैं जो समान समुच्चय इक्वल सेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समान समुच्चय में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो, किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और प्रत्येक बी के अवयव ए में होने चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। डेफिनेशन लिखी हुई है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, इसको टेक्निकली हमने क्या लिखा, ए और बी कब होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए तब एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी और सच दैट, मतलब उल्टा हो गया वापस, वाइस वर्सा। ठीक है, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी तो एक्स मस्ट बी बिलोंग टू ए, एग्री। इसको चेक कर लेते हैं, देखो ए में कितने अवयव हैं, ए और बी, ठीक है, बच्चों बी में कौन कौन है, वही ए और बी, ऑर्डर का भी मैटर नहीं करता, मैंने पहले वीडियो में समझा दिया था तुम्हें सेट्स के इंट्रोडक्शन में, कि सेट्स में जैसे 1 2 1 2 है तो तुम उसको 2 1 भी ले सकते हो, 1 2 भी ले सकते हो ना। अच्छा सी, सी में वही 3 है, ए 2 बार आ रहा है, तो अब तो बताने की आवश्यकता नहीं, अब तो बहुत बार मैंने समझा दिया, अगर पुनरावर्ती हो तो एक ही बार लिखते हैं। तो सभी में दो दो अवयव हैं और सारा ए के अवयव बी में, बी के अवयव सी में, सी के अवयव बी में, बी के अवयव ए में, एक दूसरे के अंदर सब आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, a = b = c। ये लिए सब इक्वल सेट्स, बहुत आसान है। अच्छा एक
टर्म और आती है वो जो समतुल्य इक्विवेलेंट है ना। इसमें क्या होता है, दो फाइनाइट सेट्स परिमिति समुच्चय ए और बी समतुल्य कब कहलाते हैं। देखो समतुल्य को इस साइन से शो करते हैं, ये वाला तो तुमने 10th क्लास में ज्योमेट्री रेखागणित पढ़ते समय समरूपता में देखा होगा ना, देखा ना समरूपता में ए और बी दो समरूप त्रिभुज हैं, इनमें अवयवियों की संख्या बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, समतुल्य। बस एलिमेंट्स बराबर होने जरूरी नहीं है, इक्वल सेट होने जरूरी नहीं है। इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क है बच्चों, इक्विवेलेंट समतुल्य का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अवयवों की संख्या बराबर हो या नहीं हो यह जरूरी नहीं है। तो हम क्या कमिटमेंट कर सकते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपना ना, ए में दो अवयव है एक और दो, बी में बी को हम सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। हल कर ले बच्चों इसको अपन, जनरली जैसे बचपन में करते थे 10th क्लास में, देखो एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से अपन करें बच्चों इसको, माइनस टू एक्स माइनस एक्स ठीक है प्लस दो बराबर जीरो। यहां से बच्चों एक्स कॉमन लो तो एक्स माइनस दो, यहां से माइनस का एक कॉमन लो तो एक्स माइनस दो बराबर जीरो, ब्रैकेट के अंदर बराबर आ गए तो एक आगे एक्स का मान दो और एक्स का मान एक ठीक है, दो वैल्यूज हो सकती है। तो बी सेट है ना बी, वो भी बच्चों क्या हो गया, वही एक और दो। सी की बात करते हैं, एक्स सच दैट यानी कि जहां एक्स नेचुरल नंबर है एक से बड़ा और तीन से छोटा, एक से बड़ा तीन और तीन से छोटा, यानी कि सी क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, दो कॉमा तीन ठीक है। अब आ जाओ, ये इक्वल सेट्स तो बिल्कुल नहीं है, है ना। इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी। देखो ए और बी में वन टू, इसमें भी वन टू ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात ए इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, ये तो इक्वलिटी हो गई, बराबर समान है ना। अब अपन बात करते हैं समतुल्य की, इसमें कितने हैं अवयव है, दो, बी में भी कितने हैं दो और सी में भी कितने हैं दो, तो हम क्या बोल देंगे समतुल्य होंगे है ना। यानी हम क्या बोलेंगे, ये लो ए बराबर बी बराबर, बात समझ में आ रही है सभी के, एलिमेंट्स के नंबर बराबर हैं, एलिमेंट्स खुद बराबर नहीं है, ए और बी बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है ठीक है। अच्छा देखो बहुत बढ़िया बात, समान समुच्चय सदैव समतुल्य होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान होने आवश्यक नहीं है। यदि कोई समान है तो समतुल्य होंगे होंगे, जैसे ए और बी समान है तो समतुल्य तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, समतुल्य समुच्चय समान होने आवश्यक नहीं है। यदि कोई समतुल्य है, यदि देखो समतुल्य का मतलब अपन ने बात की बी और सी की, अब बी में एलिमेंट दो हैं सी में भी एलिमेंट दो हैं लेकिन ये समान नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लेना तुम आराम से, सॉरी बात है, प्रॉपर नोट्स बना लेना ढंग से, कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। बच्चों आगे बढ़े थोड़ा सा, एक और एग्जांपल करते हैं, उदाहरण नंबर सात, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए ठीक है। आ जाओ ए, बच्चों ए में केवल एक ही अवयव है जीरो, लिख दिया मैंने इसको। बी की बात करें, अच्छा बी की बात करते हैं तो एक्स 15 से बड़ा और 5 से छोटा, अब कोई ऐसा नंबर है तुम्हारे पास जो 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा, वैसा दुनिया में कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो इसको बोलेंगे फाई, नल सेट, रिक्त समुच्चय, तो खाली है बिल्कुल। सी, एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर एक ही अवयव है पांच। अब चलते हैं बच्चों डी पे, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस पांच। बात समझ में आ रही सभी के ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस पांच है तो लिख दो ऐसे कैसे, माइनस पांच और प्लस पांच। ई पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 15 बराबर जीरो, एक धन पूर्णांक मूल है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ना, ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस तीन एक्स, हमें क्या चाहिए 15 चाहिए ना, तो इसका फैक्टर करते समय बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस का तीन एक्स माइनस का 15 बराबर जीरो। बचपन की बातें याद करो, 10वीं क्लास की, दो दो के पेयर हम बनाते हैं, एक्स कॉमन लीजिए एक्स माइनस पांच, यहां से प्लस का तीन कॉमन लीजिए एक्स माइनस पांच। अब तो कर ही लोगे, एक्स की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास माइनस का तीन और एक आ गई बच्चों पांच, भैया तो माइनस तीन होगी या पांच होगी है ना। अब ध्यान से देखिए तो हम क्या लिख देंगे, ई जो समुच्चय है, अब उसमें दोनों वैल्यूज बिल्कुल नहीं ले सकते अवयवों में, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक धन पूर्णांक है
अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक प्रश्न समझाने के बाद उसको नोट डाउन करने के लिए, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियोज अभी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको मेरे साथ साथ चलने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज समझ के उसको पॉज करो वीडियो को, उसको आराम से नोट डाउन करो, मतलब आराम से, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है ना, ठीक है? यानी कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। वीडियो पॉज कर दो जहाँ पे, मैं तुम्हें लग रहा है कि सर तो जस्ट एक क्वेश्चन के बाद दूसरे पे आ गए, मैं टाइम ही नहीं दे रहे। तो बच्चों इतना सा तुम दिमाग लगा सकते हो, तो वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, नोट डाउन करो, ठीक है? ई, धन पूर्णांक, तो -3 तो बिल्कुल नहीं है धन पूर्णांक, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे अपन। हम केवल क्या लेंगे, 5। अब इसको एक सरल भाषा में हमने ले लिया, सबको रोस्टर रूप में लिख लिया। अब देखते हैं क्या चाह रहा है क्वेश्चन। समान समुच्चयों के युग्म छाटी है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, करें इसको एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूं, या वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आइए, ए बी के बराबर है क्या? नहीं है। अच्छा, बी तो किसी के बराबर नहीं है, ये किसी के बराबर नहीं है साहब, तो हमने ये लगा दिया। पहली बात से सहमत हो क्या? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू डी इज नॉट इक्वल टू ई, ये पांचों तो फिलहाल बराबर नहीं है, ठीक है? यानी कि पहले एक ही बात कर रहे हैं, समुच्चय ए एक सेकेंड बच्चों, हम क्या बोलेंगे, समुच्चय ए ना तो बी के बराबर है ना सी के बराबर है, ठीक है? अच्छा आप ध्यान से देखियो, तो एक काम करो ना, एक एक समुच्चय को मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूँ ना, एक बार ध्यान से देखो, ऐसा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वर्बली समझा देता हूँ, तुम लिख लेना बच्चों ना, ए बी के बराबर भी नहीं है, ए सी के बराबर भी नहीं है, ए डी के बराबर भी नहीं है, बी ए ई के बराबर भी नहीं है ना। नेक्स्ट, बी की बात करें, बी तो किसी के बराबर नहीं है, फाइव खाली साइड तो कोई भी नहीं है। सी की बात करते हैं बच्चों, सी और डी बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमने क्या बोला, सी का प्रत्येक अवयव डी में होना चाहिए, लेकिन डी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है ना। अब ये सब बातें आप लिख लेना, बोल रहा हूँ आपको ना। अच्छा, सी और ई बराबर है केवल, और कोई बराबर नहीं है, साफ साफ देख सकते हो। क्या बोलेंगे, सी इज इक्वल टू ई, कारण आप बोल सकते हो सी का प्रत्येक अवयव ई में है, ई का प्रत्येक अवयव सी में है। अब मैंने आपको समझा दिया, इसको अपनी भाषा में लिखो। मैं वो फिक्स लैंग्वेज तुम्हें नहीं दे सकता कि साहब तुम ऐसे लिख दो, मैं दे दूंगा तो तुम उसको याद कर लोगे, फिर तुम्हारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी याद करने पे। तो 11th 12th पढ़ने का बेस्ट तरीका, समझो और अपनी भाषा में लिखो। क्या लिखोगे? उसने क्या बोला, अगर ऐसा कोई युग्म है तो कारण बतलाइए, कारण बता दो। हमें पता है समान समुच्चय क्या होता है, दो समान समुच्चयों में यदि ए और बी समान है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सी और ई समान है, क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव ई में और ई का प्रत्येक अवयव सी में है। बात समझ आई बच्चों सभी के? उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्स शब्द एलोए के अक्षरों का समुच्चय, आ जाओ, ठीक है, एक्स है ना, तो एक्स एक समुच्चय है, तो एलोए में ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा और वाई आ जाएगा, ये लीजिए। अब आ जाओ, कौन है, बी, बी में कौन कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, और एक एक्स का प्रत्येक अवयव बी में है, बी समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक्स में है, तो हम क्या बोल देंगे, एक्स बराबर बी, ये दोनों समान समुच्चय है, कारण मैंने बोल दिया, आप आराम से लिख लेना वीडियो पॉज करके। बातें समझ में आ रही है ना बच्चों? नेक्स्ट, एन, जहां एन इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना, लेस देन इक्वल टू 4। अब बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, अगर इंटीजर है और 4 से छोटा है, इंटीजर और 4 से छोटा है, तो बच्चों कौन कौन हो सकता है, ध्यान से देखना, बनाए इसका रोस्टर रूप अपन। चलो, जीरो, एक, दो। अब एक बताओ, अगर मैं माइनस का 3 लेता हूं, क्या लेता हूं, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर 9 हो जाएगा तो 4 से छोटा कहाँ पे आ रहा है, तो हम केवल क्या ले सकते हैं बच्चों, जीरो ले सकते हैं,
एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन माइनस वन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? माइनस वन की। अगर माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस वन। बोलो आया ना? ठीक है, तो प्लस वन आ गया हमारे पास। लेकिन सेट तो माइनस वन ले सकते हैं ना बच्चों अपन आराम से यहाँ पे। ठीक है, माइनस टू भी ले सकते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि माइनस थ्री पे चल जाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा उसको, उसके आगे चल जाएगा, जो कि हमें बाधित करता है केवल चार से छोटा रहने के लिए। अब अपन चलते हैं बी सेट पे, है ना? ये तो हो गया ए। अच्छा, बी क्या कह रहा है साहब? बी को देखते हैं एक बार, है ना। एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। इसको हल कर लें अपन, कर ले बच्चों, आ जाओ हल कर लेते हैं इसको, है ना। इसको हल करना मैं तुम्हें आता होगा, बहुत बार कर लिया अपन ने। एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का एक्स प्लस दो बराबर जीरो। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? एक्स माइनस दो, माइनस का एक कॉमन लिया, एक्स माइनस दो बराबर जीरो। एक्स का मान आ गया दो और एक्स का मान आ गया एक। ठीक है, एक कोमा दो। अब बताओ ये समान है क्या? क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिख देना ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये समान नहीं है, यानी कि ए बराबर नहीं है बच्चों किसके? बी के। बात समझ में आई सभी के? तो बच्चों इन सभी को, एक एक क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करना, जहां जहां मेरी स्लाइड चेंज हो रही है उसके बाद तुम्हें अगली स्लाइड पे जाने के लिए चेंज होने से पहले वीडियो पॉज करके एक एक बात को नोट डाउन करना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे तुम्हारी प्रश्नमाला 1.2। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आराम से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में डीप वाटर भाग दो। बच्चों, हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की है उसका नाम है डीप वाटर, और हमने जाना है कि भाई लेखक के जीवन में पानी को लेकर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण लेखक को पानी से डर लगता है। और जो लास्ट घटना थी वो जो लेखक ने बताई थी वो क्या थी कि वो पूल में डूब रहा था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो चलो जानते हैं आगे क्या हुआ लेखक के साथ और करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब भाई वो पानी में डूब रहा था ना, तब एकदम विशुद्ध और एक कठोर भय ने पकड़ लिया लेखक को। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा भय था जो कोई भी समझ नहीं रखता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा भय जिसके ऊपर क्या था भाई, जो काबू में नहीं आ सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। ये एक ऐसा भय था बच्चों जो कोई भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता था जिसने उसे अनुभव नहीं किया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वॉटर, मैं चित्कार कर रहा था पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वॉटर, और मैं शक्तिहीन हो गया था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विद फियर, और मैं एकदम कड़ा कठोर और क्या हो गया था भाई, भय के कारण एकदम कड़ा और एकदम कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट व फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी चीख थी मेरे गले के अंदर ही जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो भाई मेरा जो पूरा शरीर था वो शक्तिहीन हो गया था, पर जो मेरा दिल था और जो मेरे सर के अंदर जो दर्द हो रहा था उससे पता चल रहा था कि भाई मैं अभी भी जीवित हूँ, है कि नहीं भाई। बाकी जो चीज़ें होती है जिनसे हमें लगता है कि हाँ हम जीवित हैं, वो सारी चीज़ें इसके साथ नहीं हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है शीयर, मतलब विशुद्ध। स्टार्क मतलब कठोर। टेरर मतलब भय। सीज्ड यानी कि पकड़ लिया। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। कंट्रोल मतलब काबू या फिर नियंत्रण। एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभव किया। श्रीकिंग मतलब चित्कार। पैरालाइज्ड यानी कि शक्तिहीन। स्टिफ मतलब कड़ा। रिजिड यानी कि कठोर। फियर मतलब भय। स्क्रीम्स यानी कि चीख। फिर है थ्रोट मतलब गला। फ्रोजन यानी जम गया, और पाउंडिंग मतलब एक तो होता है धड़कन और दूसरा क्या होता है जो हमें बार बार धक धक वाला एहसास होता है ना, दर्द वाला एहसास, वो।
And then in the midst of the terror came a touch of reason. और बच्चों इस भय के बीच में ही क्या हुआ, थोड़ा सा एक आया reason, यानी कि मैं थोड़े से तर्क करने लगा. I must remember to jump when I hit the bottom. और फिर से लेखक को याद आया कि जैसे ही वो bottom को छुएगा वो एकदम से उछलेगा. At last, I felt the tiles under me. और आखिरकार लेखक को अपने पैरों के नीचे tiles का एहसास हुआ. My toes reached out as if to grab them. और जो मेरे toes थे ना, यानी जो पैरों की उंगलियां थी, वो उनकी ओर आगे बढ़ी उनको पकड़ने के लिए. I jumped with everything I had. और मैं फिर से उछला हर उस शक्ति के साथ जो कि मेरे पास थी. But the jump made no difference. पर ये जो मैंने उछाल ली थी ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me. पानी अभी भी मेरे आसपास था. I looked for ropes, ladders, water wings. और फिर मैं ढूंढने लगा रस्सी, सीढ़ी और वो water wings. तो बच्चों ये जो हमने तीन शब्द यहाँ पे देखे हैं उन्हें रिवाइज करते हैं. पहला है midst, मतलब मध्य. फिर है grab, मतलब पकड़ना. Difference, यानी कि फर्क. Nothing but water. और मेरे आसपास क्या था, कुछ नहीं था सिवाय पानी के. A mass of yellow water held me. और ये जो पूरा मास था ना पीले पानी का, उसने मुझे पकड़ा हुआ था. Stark terror took an even deeper hold on me. और ये जो बच्चों भय था, उसने और ज़्यादा पकड़ बना ली मेरे अंदर. Like a great charge of electricity. जैसे कि क्या हो भाई, एक विद्युत का प्रवाह हो. I shook and trembled with fright. और मैंने क्या किया बच्चों, मैं शुक करने लगा, यानी कि मैं कांपने लगा और थर थराने लगा फ्राइट के कारण, डर के कारण. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ अब नहीं हिल रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद की पुकार देने की कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर, अपनी माता को बुलाने की कोशिश की. नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली, और उसके बाद स्ट्रेंजली यानी कि असाधारण रूप से, देयर वॉज लाइट, अचानक से रोशनी आने लगी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द देखे हैं, देखिए रिवाइज करते हैं. सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली. ट्रेम्बल्ड यानी कि थर थराया. फ्राइट मतलब डर. स्ट्रेंजली मतलब असाधारण रूप से. और ऑफुल यानी कि डरावना. एटलीस्ट माई आइज वर, तो भाई अब क्या हो रहा था कि भाई मैं पानी से बाहर आ रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुकी थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. I sucked for air and got water. अब फिर क्या हुआ भाई, वो वापस से ऊपर आया, पर वापस से वो पानी में नीचे डूबने लगा. और लेखक ने क्या करने की कोशिश की, हवा लेने की कोशिश की, पर फिर भी उस हवा की जगह पानी अंदर जाने लगा. The yellowish light was going out. और वो जो पीली सी लाइट थी ना, वो अब वापस से जा रही थी. Then all effort ceased. और फिर जो ये सारी कोशिशें थी वो समाप्त हो गई. आई रिलैक्स्ड, मैं क्या करने लगा, मैं एकदम शिथिल हो गया, तनाव मुक्त हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी निर्जीव लग रहे थे. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक प्रकार की जो ब्लैकनेस थी, अंधकार था, वो मेरे दिमाग पर छाने लगा. आई वाइप्ड आउट फियर, आई वाइप्ड आउट टेरर. There was no more panic. फिर क्या हुआ, मैंने उस भय को दूर कर दिया, मैंने उस डर को दूर कर दिया, और फिर कोई भी पैनिक नहीं बचा, कोई भी घबराहट नहीं बची. It was quiet and peaceful. सब कुछ बिल्कुल शांत और शांतिमय हो गया था. Nothing to be afraid of. किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी. This is nice to be drowsy, to go to sleep. और फिर लेखक बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम drowsy हो जाएं, यानी कि नींद से भर जाएं और हम सो जाएं. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me. Tender arms like mother's now. I must go to sleep. तो बच्चों लेखक क्या सोचने लगा, लेखक ये सोचने लगा कि अब जो है
उछलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था वो उछलने के लिए, और उसको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा होगा अगर उसको कोई ले जाए जेंटली, यानी कि कोमलता से, और वो तैरे उस स्पेस में, टेंडर आर्म्स में, मतलब कोमल बाहों में, एकदम कोमल बाहें जैसे उस लेखक की माता की थी। और फिर लेखक सोचने लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं विस्मृति में खो गया, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। इसका मतलब है भाई, लेखक को अब ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, अब उसके अंदर वो शक्ति भी नहीं बची है कि वो उछल के पानी से बाहर आने की कोशिश कर पाए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जो पहले मीनिंग्स पढ़े हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है एफर्ट, यानी कि कोशिश। सीज्ड मतलब समाप्त हुए। रिलैक्स्ड मतलब शिथिल या फिर तनाव मुक्त। लिम्प मतलब ढीला या फिर निर्जीव। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब जो अगली बात मुझे याद है वो ये थी कि मैं पूल के पास में पड़ा हुआ था, वॉमिट करता हुआ, उल्टी करता हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है पैनिक मतलब घबराना या फिर घबराहट। पीसफुल मतलब शांतिमय। ड्राउजी मतलब नींद से भरा हुआ या फिर निंद्रालु। फिर है जेंटली मतलब कोमलता से। ओब्लिवियन मतलब विस्मृति। कर्टेन मतलब पर्दा। रिमेम्बर मतलब याद किया। और लाइंग मतलब लेटा हुआ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड द किड नियरली डाइड बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो बच्चों, जिस लड़के ने मुझे फेंका था ना पानी में, वो बोल रहा था मुझे, मतलब मेरे को यही चीज़ें याद है कि वो जो लड़के ने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो केवल फूलिंग कर रहा था, मतलब मैं तो केवल मजाक कर रहा था। और फिर किसी ने कहा था उस लड़के को कि ये जो बच्चा है वो लगभग मरने वाला था, चलो इसको ले चलो लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर कई घंटों बाद आई वॉक्ड होम, मैं वापस से चल के घर गया। I was weak and trembling. मैं कैसा था, मैं कमज़ोर था और मैं कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैंने क्या किया भाई, मैं कांपा और मैं रोने लगा जब मैं अपने बेड पर लेटा। I couldn't eat that night. मैं उस रात कुछ नहीं खा पाया। For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय घर कर गया था। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं, देखिए। सबसे पहला है बिसाइड मतलब पास में। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करते हुए। चैप मतलब लड़का। वीक यानी कमजोर। और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। जो थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता था ना, यानी थोड़ा सा भी परिश्रम, थोड़ा सा भी तनाव, वो मुझे क्या कर देता था, परेशान कर देता था। और उसके कारण, यानी थोड़े से भी परिश्रम और तनाव के कारण, जो मेरे जो वो नीज होते हैं, यानी कि जो मेरे घुटने होते थे, वो अस्थिर हो जाते थे और मेरे पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, जो कैसी थी, जैसे कि मैं बीमार हो रहा हूँ। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। और भाई, मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं पूल में फिर दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी को अवॉइड करने लगा, पानी को टालने लगा, जब भी मैं ऐसा कर सकता था तब। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. कई सालों बाद जब मेरे को पता चला किसके बारे में, Cascades के पानी के बारे में, मैं उनके अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैं उस पानी में जाता था, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो जब भी मैं क्या करता था बच्चों, वेड करता था, पानी में चलता था टाइटन के या फिर बम्पिंग रिवर के, या फिर मैं नहाता था वार्म लेक में गोट रॉक्स के, तब वो जो डर था वो मुझे वापस से पकड़ लेता था। कौन सा डर? वही डर जो पूल के समय मुझे महसूस हुआ था, वो मुझे वापस से पकड़ लेता था, वो वापस से आ जाता था।
तो बच्चों ये जो तीनों मीनिंग्स हैं हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है एक्सर्शन, मतलब तनाव या फिर परिश्रम। वॉबली मतलब अस्थिर, और अवॉइडेड यानी कि टाला। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो जो डर था वो पोजिशन ले लेता था, वो अपना अधिकार जमा लेता था मेरे ऊपर पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वो वापस से शक्तिहीन हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एकदम ठंडा कर देने वाला जो भय था वो मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। अब ये जो सारी भावनाएं थी ये कई सालों तक मेरे साथ चली। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, तो जब हम कैनू में जाते थे मेन लेक्स पर फिशिंग के लिए, क्या लेने के लिए, लैंडलॉक्ड सैल्मन को। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है, भूमिबद्ध सैल्मन। सैल्मन क्या होती है बच्चों, एक प्रकार की मछली। बास, बास भी क्या है, एक प्रकार की मछली है। फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में हम जाते थे बास की फिशिंग करने के लिए। ट्राउट फिशिंग ऑन डेशूट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, या फिर हम टाउट की, ये भी एक प्रकार की मछली है बच्चों, इसकी फिशिंग करने जाते थे डेशूट्स में, एंड मेटोलियस की फिशिंग करने जाते थे ऑरेगन में। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स व्हेनेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और या फिर हम वापस से सैल्मन की फिशिंग करने जाते थे कोलंबिया बम्पिंग लेक में कैस्केड्स की। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि भाई मैं इतनी सारी पानी वाली जगह पे गया, और जब भी मैं गया तो वो जो भय था वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वेडिंग, मतलब पानी में चलना। टेरर मतलब भय। सीज यानी पकड़ा। पोजेशन मतलब अधिकार। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। लैंडलॉक्ड मतलब भूमिबद्ध। तो बच्चों लेखक ने बताया कि जब भी वो जाता था फिशिंग करने के लिए न्यू हैम्पशायर, डेशूट्स, या फिर ऑरेगन, या फिर कोलंबिया, या फिर बम्पिंग लेक जो कहाँ पे थी, कैस्केड्स में थी, हर इस जगह पर जहाँ पर भी लेखक जाता था वो जो भय था वो क्या करता था, वो भय उसका पीछा करता था, यानी कि हर जगह वो भय उसके साथ था। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, अब इस भय ने क्या कर दिया, रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिए इस लेखक के फिशिंग ट्रिप्स। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, और वंचित करके रखा था लेखक को जो आनंद मिलता है कनोइंग करने से उससे भी, बोटिंग एंड स्विमिंग, और साथ ही साथ बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से भी इस डर ने लेखक को वंचित कर रखा था। तो बच्चों रुइन का मतलब क्या है, बर्बाद। Deprived यानी कि वंचित। तो बच्चों लेखक किस प्रकार से इस भय से बाहर आएगा जानेंगे हम अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 12 में हिंदी विषय में कुंवर नारायण। बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सृजन का पद्य भाग। अभी तक हमने अध्याय 7 पूर्ण कर लिए हैं, अब हम अध्याय 8 में कुंवर नारायण जी की दो कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली कविता है कविता के बहाने, और दूसरी बात सीधी थी पर। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी का कवि परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में हुआ था। ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं। नई कविता, जब कविता में नई नई संभावनाएं आने लगी। पहले कविताओं में क्या होता था, या तो वो देशभक्ति की होती थी, या वो फिर भक्ति की होती थी, या फिर उसमें किसी प्रशंसा के गीत गाए जाते थे, राजाओं की प्रशंसा के गीत गाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे कविताएँ यथार्थ जीवन से जुड़ने लगी। तो यहाँ पर जो नई कविता के कवि हैं वो लोग क्या करते हैं, जीवन, यथार्थ जीवन को भी कविताओं में पेश करते हैं। तो ये इस नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं, यथार्थ प्रतिनिधि कवि हैं। कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक 1959 के प्रमुख कवियों में से एक है। अब ये तीसरा तार सप्तक है, ये किसने संपादित किया है, अज्ञेय ने। तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक नाम का एक बात चलाया था, जिसमें तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं होती थी। तो यहाँ पर जो तीसरा सप्तक है 1959 में प्रकाशित हुआ था, और उनके जो 7 कवि थे उसमें ये एक हैं। तो अब हम इनकी कृतियाँ देखते हैं। इन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
किया गया। कविता के प्रति कुंवर नारायण का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। कुंवर नारायण के प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। तो आइए हम कविता के बहाने कविता का अर्थ करते हैं। कविता के बहाने में यह संदेश दिया गया है कि इस यांत्रिक युग में कविता का महत्व कहीं कम न हो जाए, तो कविता की जो असीम संभावनाएं हैं उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कविता के बहाने में कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है, फूल के खिलने से की गई है और बच्चों के खेलने से की गई है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में कह दिया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान चिड़िया भला क्या जाने। बिल्कुल विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, दोनों बातों में विरोध यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि चिड़िया की तो उड़ान होती है, कविता की कैसे उड़ान होती है? चिड़िया अपने पंखों की सहायता से उड़ान भरती है, लेकिन कविता कैसे उड़ान भरती है? कविता कवि की कल्पनाओं की सहायता से उड़ान भरती है। और कवि जब कल्पना करता है, कवि की जो कल्पनाओं का क्षेत्र होता है वो असीमित होता है, असीम संभावनाएं होती है। पता नहीं कितने विषय होते हैं जिन पर कवि अपनी कविता लिख सकता है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहता है कि जो चिड़िया की उड़ान होती है वो तो सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीम होती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने की, कविता की उड़ान भी चिड़िया की उड़ान के जैसी ही होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों? चिड़िया की उड़ान यहाँ पर सीमित होती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया कैसे उड़ती है? वह बाहर जाती है, कभी भीतर जाती है, कभी इस घर कभी उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, तो चिड़िया कविता के पंखों को नहीं समझ सकती, क्योंकि कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, असीम क्षेत्र होता है। कविता का जो प्रभाव है वो अनंत होता है। तो कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से सर्वश्रेष्ठ है। तो कविता की उड़ान को यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से अच्छा बताया है। अब आगे देखते हैं। कविता के इस अंश में चिड़िया की उड़ान के बहाने से कविता की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं के कल्पना रूपी पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है, जबकि चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा होती है। वह एक घर से दूसरे घर, बाहर भीतर तक ही उड़ती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित है, उस पर देश काल का कोई बंधन नहीं होता। कविता की इस असीमित उड़ान की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं। कवि ने कविता को कल्पना की सहायता से भरी जाने वाली उड़ान है। तो जब आपसे पूछा जाए कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, तो आप समझोगे चिड़िया पंखों की सहायता से उड़ती है और उसकी जो उड़ान है वो सीमित होती है, वह एक घर से दूसरे घर, बाहर भीतर और एक निश्चित क्षेत्र में ही उड़ सकती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वह कल्पना रूपी पंखों की उड़ान है, कवि के कल्पना रूपी पंखों की उड़ान है, जो असीम असीमित होती है। कवि ने चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कविता के असीम प्रभाव की महिमा प्रकट की है। काव्यांश की भाषा सरल है किंतु गंभीर अर्थ वाली है। और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला काव्यांश देखते हैं। अब यहाँ पर कविता की तुलना फूल के खिलने से की गई है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो यहाँ पर भी कविता भी खिलती है और फूल भी खिलता है। फूल खिलता है तो हमको प्रसन्नता देता है, और जब कविता को हम पढ़ते हैं तो वो भी हमको प्रसन्नता देती है, हमें आनंद से सरोबार कर देती है। लेकिन फिर भी कविता का खिलना फूल के खिलने से
श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो फूल का खिलना और जो फूल की सुगंध होती है वह निश्चित क्षेत्र में ही जा सकती है, बाहर भीतर इस घर उस घर फूल निश्चित क्षेत्र में ही महक दे सकता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, और फूल निश्चित समय अवधि में मुरझा भी जाता है, लेकिन जो कविता है वो न तो कभी मुरझाती है और उसकी महक कभी भी कम नहीं होती है। क्यों, किस तरह से, जैसे कि आज भी हम तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई और भी बहुत सारे कवियों की रचनाएं हम आज भी पढ़ रहे हैं। कवि मर गए हैं लेकिन उनकी कविताएं थोड़ी ना मरी हैं, उनसे आज भी हम शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, हमारे जुबान पे उनकी शिक्षाएं हमेशा रहती हैं, हम उनके उदाहरण पेश करते हैं। तो कवि का प्रभाव तो अनंत रहता है, कवि की कविता का प्रभाव तो अनंत रहता है, लेकिन जो फूल है वह समय के साथ मुरझा जाता है। तो यहाँ पर फूल के खिलने से ज़्यादा श्रेष्ठ किसको बताया है, कविता के खिलने को बताया है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं, कवि कविता की तुलना फूल और उसकी सुगंध से कर रहा है, कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं अर्थात आनंददायक प्रभाव व्यक्त करते हैं, लेकिन कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक ही फैलती है और कविता के सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती है। कवि ने फूल तथा कविता की समानता उनके खिलने में बताई है। काव्यांश की भाषा सरल है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अब अगला देखते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाना। अब यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से करी है, कविता एक खेल है, कवि यहाँ पर कहते हैं कि कविता भी एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर कविता और बच्चे को समान बताया गया है, वहाँ तो कविता को श्रेष्ठ बता दिया गया है, चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ बताया गया है और फूल के खिलने से श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन यहाँ पर बच्चों के खेल से कविता को बराबर बताया गया है। कहते हैं कविता भी एक खेल है, जैसे बच्चों का खेल होता है, बच्चों का भी खेल असीमित होता है, उनकी भी बच्चों के मन में भी असीम कल्पनाएँ होती है, असीम संभावनाएँ होती हैं, ऐसे ही कवि के मन में भी असीम संभावनाएँ होती हैं। बच्चों के खेल का क्षेत्र असीम होता है, वो बहुत सोचते हैं, कवि भी बहुत ज़्यादा सोचता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, इस घर खेलते हैं, वह घर सब घर एक कर देने के माने वह सब घरों में एकता स्थापित करते हैं, उनके लिए ऊंच नीच भेदभाव कोई मायने नहीं रखता और वह एकता स्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार कविता के लिए भी कोई भेदभाव मायने नहीं रखता, सबके लिए वह सृजनात्मकता का संदेश देती है। तो यहाँ पर कविता और बच्चे के खेल को बराबर बताया गया है। व्याख्या करते हैं, कवि कविता की तुलना बच्चों के खेल से कर रहा है, कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है, बच्चे घर बाहर एक घर से दूसरे घर तक बिना रोक टोक खेलते हैं, वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में ही होती है। तो ये क्षमता किस में होती है, ये क्षमता कविता में भी होती है, कविता बच्चों के खेल की तरह ही होती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम भेदभाव करते हैं क्या कि किस कवि ने, किस धर्म के कवि ने लिखी है, हम तो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो सबके लिए उपयोगी होता है, जो कविता का संदेश होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, वो सबके लिए उपयोगी होता है। विशेष देखते हैं, कभी भी उनके भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है, भावों और विचारों के साथ खेलता है, दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है, कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बनता है। तो यहाँ पर विशेष देख लेते हैं, कविता भी बच्चों की तरह निष्पक्ष भाव से सबका मनोरंजन करती है, काव्यांश की भाषा सरल है और प्रवाह पूर्ण है, बाहर भीतर यह घर वह घर बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों अब ये कविता के बहाने हमारी पूरी हो गई है, अगले वीडियो में हम कुंवर नारायण जी की ही दूसरी कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय भाग 5 व कक्षा 12 में
अंग्रेजी विषय में डीप वाटर भाग दो, हिंदी विषय में कुंवर नारायण। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए हैं नो बैग डे। यहाँ आप करियर से संबंधित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल व मनोरंजक कहानियाँ सुनेंगे। नई जानकारियों का लाभ व ढेर सारा मनोरंजन नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें, शिक्षा दर्शन। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।